The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Simple. Agar mere patient ko gallbladder stone ho jata hai, to main usko jo advice deta hu, main wo aapko bata raha hu. Theek hai? कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट को सबसे पहला एडवाइस मेरा होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील का, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस का. दवाई बाद में, एडवाइस पहले. सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे. कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर वन, हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, राइट? और प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खाना है. प्रोसेस्ड फूड खाना ही नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज पकड़ो, उस चीज को प्रोसेस करके चिप्स बना दिया, बिस्किट बना दिया, मैदा बना दिया, वो सब उससे बनी हुई कोई चीज नहीं खानी है, राइट? आपको खाना है होल फूड, कच्चा लिया, जो भी लिया उसको पकाया, चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे जैसे भी. पहला रूल. पहला रूल स्मॉल फ्रीक्वेंट, ये सेकेंड रूल कोई प्रोसेस फूड नहीं. थर्ड रूल है कि खाने में, रोज के खाने में एक सरीका फैट होना चाहिए, राइट? गॉल ब्लैडर का काम है, मान लो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मान लो स्टोन आधा रास्ता बंद कर रहा है, मान लो पहले खुले में जितना बाइल एसिड आता था उतना एसिड नहीं आता, बेसिक चीज, यानी मान लो पहले आपके काम के लिए घर में बहुत सारे सामान था, लाने वाले बहुत सारे लोग थे, अब उतना सामान लाने के लिए लोग ही नहीं है, वट एवर इट इज यू कॉल इट, कमाने वाले पहले 4 थे, अब कमाने वाले 2 हो गए हैं, तो खर्चे भी तो कम करने पड़ेंगे ना. तो खर्चा यानी बेसिकली फैट आप कम खा सकते हो एक बार में. तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि एक महीने में आपने कुछ भी पैसा नहीं खर्चा किया, दूसरे महीने में लुटा दिया पैसा, पूरा का पूरा खत्म, ऐसा भी नहीं कर सकते. तो बहुत सारा फैट एक साथ भी नहीं खाने का, कि तला हुआ खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, तली हुई पूरियां खा रहे हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जीरो फैट भी नहीं खाना, यानी कि एक हफ्ता जीरो फैट. गॉल ब्लैडर ऐसी पड़ा है, लगता है मेरा काम खत्म हो गया है, लगता है मुझे काम ही नहीं करना है, तुम गाढ़े होते रहो, कोलेस्ट्रॉल अच्छा. और बाद में क्या हुआ कि एकदम से तुमने फैट खा लिया, गॉल ब्लैडर फिर काम करना है, घप घप घप, अरे स्टोन है, अरे फंस रहा है, अरे इतनी जल्दी नहीं, तो वहां पे क्या होता है, पेन होने लगता है. सो अंडरस्टैंड हाउ अ गॉल ब्लैडर विल थिंक इनसाइड यू, राइट? इट नीड्स द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फैट. क्योंकि मेरे को 3 बार खाना खा रहा हूं, उसमें ऐसा होना चाहिए कि या तो कम फैट हो, यानी पूरे दिन में थोड़ा तो फैट फैट हो, यानी कि आप नॉर्मल जो सब्जी बनाते हैं, जो रोटी बनाते हैं, उतने में जितना सब्जी में तो तड़का लगने के लिए 1-2 चम्मच एक वो गुंडी, वट एवर यू कॉल इट, डैट छोटा चम्मच टूइंग वाला तेल लगता है, उतना खा सकते हैं, मतलब अकेले नहीं, सारी फैमिली मिलके. मगर तली हुई चीज़ नहीं खानी है, राइट? अवॉइड दोज हैवी तली चीज़ें, मगर खाओ थोड़ा थोड़ा ऑयल, और साथ में एक उर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, यूडी लिव या उसके जैसी कोई भी उर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड वाली दवाई खानी पड़ती है, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोन. 10 mm से नीचे का स्टोन होता है तो मैं तो 2 बार ही देता हूँ, 10 के ऊपर होता है तो मैं 3 बार देता हूँ, या 450 mg की 3 बार, 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन डाइट और पर्सन, बाहर खाता है कि घर खाता है. घर पे खाने में आप कंट्रोल कर सकते हो, बाहर आपका कोई नहीं चलता, बस क्योंकि बाहर में चलते हैं ब्रश, बटर के ब्रश और घी के ब्रश और वो वट एवर यू कॉल इट, ऐसा ऐसा मार के देते हैं मस्त लबा लबा के खाने को, राइट? सो बाहर नहीं खाना है, घर पे खाओ, जितना अच्छे से खाओगे उतना बेहतर है. देन वॉट कैन यू डू, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा उनको बताना कि अपना सैलेड बढ़ाओ. आपके बॉडी के अंदर फाइबर एक बहुत अच्छी चीज़ है, और सैलेड्स और फ्रूट्स में इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और इतने अच्छे विटामिन्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में. सो मेरे हिसाब से एक पर्सन को अपने पूरे दिन में एक बार अच्छी मात्रा में कम से कम सैलेड खाना चाहिए, कम से कम एक बार, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, 2 बार तो खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि कितना उनकी ज़रूरत है. मगर एक बार मतलब टोटल 2 खीरे तो खाओ, आधा किलो हो जाता 2 खीरे का. खीरे नहीं खाना है, ककड़ी खानी है, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली प्याज टमाटर, आई डोंट केयर, सलाद खाओ, ठीक है? ये स्टोन प्याज खाने, सॉरी
टमाटर नहीं खाना बंद नहीं करना पड़ता है इसमें, ये कैल्शियम स्टोन नहीं है, ऑक्सैलेट स्टोन नहीं है, ये बाइल स्टोन है, ये पिगमेंट स्टोन है। तो पिगमेंट और बाइल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आएगा खाने में, तेल में, और बाइल आएगा आपका रेड ब्लड सेल टूटने में। तो रेड ब्लड सेल टूटने की कोई बीमारी तो है नहीं, एक बार हेल्थ चेकअप करा लो, राइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करो, लिपिड प्रोफाइल, हेल्थ चेकअप, थायराइड लेवल, थायराइड फंक्शन सब पे इफेक्ट करता है, विटामिन डी, B12, राइट, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, राइट, आपके शरीर में कोई कमजोरी है कि नहीं है, वजन कम करना पड़ेगा, उसकी डाइट अलग से, लाइट चलेगी, क्षमा चाहते हैं, लगता है अभी आ जाएगी, डोंट वरी, फिलहाल के लिए आ गई, आ गया। सो डू यू गेट माई पॉइंट, दिस इज हाउ अ होलसम ट्रीटमेंट इज डन बाय मी बाय टूवर्ड्स माय पेशेंट्स, जिससे कि ना सिर्फ उनका आगे चल के, देखिए यू नेवर नो कि गॉल ब्लैडर स्टोन है वो बड़ा होगा कि नहीं, वो आगे चल के उसकी पाइप में फंसेगा कि नहीं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोल के रखता हूँ कि देखो ऐसा है, हम अभी मान लो कि गॉल ब्लैडर का जो नेक है वो नेक मान लो 4 mm का है और स्टोन आपका 8 mm का है, तो स्टोन छोटा है फंसेगा नहीं, मान लो हमने स्टोन छोटा किया, छोटा होके अगर वो उसमें फंस गया, फंस सकता है, तब पेन हो सकता है, तो कि ये कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, वो रहेगा, वो रिस्क रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही ना। अगर आपका स्टोन 8 mm से 4 हो रहा है अगले 6 महीने में, तो हम दूसरी तरफ आपकी बॉडी को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हेल्दी बनने के लिए, और ज़्यादा डेफिशिएंसीज ठीक करने के लिए, आपकी बॉडी में मोटापा है उसको कम करना स्लोली, आपकी डाइट सही करना, हाई फाइबर करना, ताकि आगे चल के जरूरत पड़ने पर भी आपको ऑपरेशन भी सही से हो जाए, आपकी बॉडी सहन भी कर पाए, राइट। सो इट्स अ होलसम ट्रीटमेंट, राइट, विच शुड बी देयर, इट्स नॉट अबाउट एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की, फलाना की ढमकाना, इट्स लाइफ स्टाइल, राइट। सो लाइफ स्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, अल्कोहल, दारू छोड़ना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ आई ट्रीट माई पेशेंट्स एज अ पूरा का पूरा, एंड ERCP जैसी चीज़ें मैं नहीं करता, एंड आई एम नॉट अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उसके लिए अगर मुझे जरूरत लगती है कि हाँ इस पेशेंट को ERCP की जरूरत है, MRCP की जरूरत है, फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है, तो फिर हम उसे सर्जन के पास या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास में रेफर करते हैं। सो दिस इज हाउ आई ट्रीट माई पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर का इशू आता है। सो आई होप यू गॉट इट।